सुरेश पाटिल प्रड्यूसर ऑफ दिसम तेल को हिंदी लोटा सभी हमारे प्रेस मीडिया भाइयों को सभी को नमस्ते ये फर्स्ट उसमें निकालने से पहले अर्जुन साई हम मीट किए हैं अर्जुन साई मेरे पास आके बोले हैं ऐसा कहानी निकालने का है इसके अंदर नाटक नहीं है लव स्टोरी है सभी है के ओक, बाद इतना पसंद आया अच्छा इसके अंदर नाटक ही नहीं है लव स्टोरी है अच्छे अच्छे बड़े बड़े हमारे दिग्गज कलाकार से एक्टर्स है इसलिए ये स्टोरी सुन के मैं रेडी हो गया और मैं हीरो को भी पूछा हीरो को भी पूछा ये कैसा है आपको लव स्टोरी पसंद है वो हाँ मैं बिल्कुल ये लव स्टोरी ये नाटक ही नहीं है मैं करूँगा ठीक है बोल के हम स्टार्ट करें हैं और एक सभी प्रेक्षक देवड़ आके इसको देखना है क्योंकि हम नए प्रोड्यूसर नया हीरो नया डायरेक्टर सब आप लोग हमको आशीर्वाद करेंगे अभी इंकरेज आएगा ज़्यादा सा ताक़त आएगा और एक दो सिनेमा निकालने के लिए सभी मीडिया वाले अब सिनेमा देखे हैं ये सिनेमा में कुछ गलती लगा क्या इतना अच्छा सिनेमा निकाले हैं प्रेक्षक सब आके मेरे को आशीर्वाद करेंगे अभी एक चार सिनेमा निकालूंगा मैं ऐसे ही क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े आर्टिस्ट है मैं तो इनसे मिला हूँ ऐसा काराविन में बैठता था, था कभी कभी आके सभी लोग ऐसा बोलते थे सभी को देख के मैं परेशान होता था ये सिनेमा तो ऐसा लेवल में देखेंगे प्रेक्षक आके मैं तो परेशान होता था इसलिए सभी आके हमको आशीर्वाद करके हीरो डायरेक्टर सभी को आशीर्वाद मेरे को भी प्रोड्यूसर को भी आशीर्वाद करे तो और एक चार सिनेमा निकाल सकते हैं అర్థమైంది కదండి అంతే మీకు మనసులో భావాలు తెలిసిపోతే సరిపోతుంది లాంగ్వేజ్తో పని లేదు లాస్ట్లో దేవరా అన్నారు చూసారా అది ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరూ వచ్చి ఆశీర్వదించండి ఇలాంటి నాలుగు సినిమాలు ఇంకా నాలుగు సినిమాలు తీస్తా అంటున్నారు కాబట్టి దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆయన స్పీచ్లో ఎన్నిసార్లు అభి అభియా తెలుసుకున్నారు తెలుసా అది మీకు అర్థం కాలేదు అనుబంధం ఓకే సో ఎస్ మరి ఆలోచన చేయకుండా అర్జున్ సాయి గారు మాటలు వినేద్దాము